जी बेटा, हम स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें मैं आपको बता दूं बेटा, हम स्टडी जो है वी हैव डन एक्सरसाइज टू अप टू क्वेश्चन नंबर जो है हमने फोर्थ तक कर लिया था। हमें फिफ्थ क्वेश्चन यस्टरडे वी आर डूइंग, और क्वेश्चन था हमारा फिफ्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 10 पॉइंट जो है वो टू। व्हाट दैट क्वेश्चन इज, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। और मैंने यही कहा था कि अगर हम ये प्रूफ, ये तरह की स्ट्रेट लाइन है, ये रेडियस है, स्ट्रेट लाइन है, तो 100% ये कहाँ से होगा, सेंटर से पास होगा। मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं जो इजिएस्ट वे में कल हम लोग करने लगे थे, तो टाइम हमारा जो है हो गया था, तो आज हम कंसिडर करेंगे। लेट अस डू, हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। वी विल ड्रॉ टेंजेंट एंड वी विल ड्रॉ जो है एक रेडियस को एक्सटेंड करते, ठीक है ना। अब क्लियरली बेटा, मेरे को इतना पता है कि ये मेरे पास टेंजेंट है, मैं लेबल कर देती हूँ ए एक्स बी। ओके, आई नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सबको पता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होता है ना, होता क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरे पास जो है ये लाइन तो स्ट्रेट ही है ना, यहाँ पर टेंजेंट एक स्ट्रेट है, सारे 90 होते, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये 90 90 ही होगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल राइट हियर कि क्लियरली एंगल ओ एक्स बी दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। इसको हम एंगल 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, ये 3 दे। ओके बेटा, सिमिलरली मेरे पास है एंगल 2 भी 90। आप रीजन लिखोगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट दोनों केसेस, ठीक है, और एंगल 2 दैट इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 भी 90 मेरे पास है। ओके, अब बेटा क्या करें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये 90 प्लस 90 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री बना रहा है, व्हाट डज इट मीन, दिस इंप्लाइज कि मेरे पास जो है ओ एक्स, इसको कोई लेबल कर देते वाई, ओ एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कुलीनियर कुलीनियर है ना, पॉइंट्स हैं हमारे पास जो है ओ एक्स वाई इज कुलीनियर। अगर ये कोलिनियर है तो व्हाट डज इट मीन, दिस इंप्लाइज कि मेरे पास जो है ओ एक्स कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, ओ एक्स पासिस थ्रू जो है पासिस थ्रू सेंटर। अब बेटा अगर ये सेंटर से पास कर रहा है तो ओ एक्स है क्या, रेडियस है, तो 100% हमने यही प्रूव करना था कि जो हमारे पास रेडियस होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट होता है वो कहाँ से पास करते हैं, सेंटर से पास करते हैं, क्योंकि बेसिकली है तो वो रेडियस है, रेडियस कहाँ से पास करता है, सेंटर से, जैसे मर्जी आप बात कर सकते। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, एनी डाउट टू एनी वन। वेट बेटा, यस ताने, एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। श्योर बेटा, कुछ भी नहीं जाना यहाँ पर बेटा, हमें क्या बताना है यहाँ पर कि मेरे पास जो है ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये हमेशा क्या होता है, 90, ठीक है। इधर भी टेंजेंट और रेडियस है, ये भी 90 हमने किया हुआ ना, ये 90 ये 90, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी क्या है, सेम होंगे, तो ये भी 90 हो गया। अब ये 90 है, दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है बेटा तो 100% ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था,
ये स्ट्रेट लाइन है, तो 100% जो स्ट्रेट लाइन है वो किससे पास होती है यहाँ पर ओरिजिन से, क्योंकि ये रेडियस बन गया, रेडियस से पार्ट है जिसको एक्सटेंड किया। और भी उसके कई सारे रूल्स हैं, आप किसी और तरह भी कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मेरे पास जो है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो है मेरे पास द लेंथ ऑफ द टेंजेंट दी हुई है फ्रॉम ए पॉइंट टू ए ए, लेट अस ड्रॉ। ओके, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये बताया हुआ है, इस जो है दैट इज गिवन टू मी 4 जो है सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ना बहुत बार नॉर्मली बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे मैम क्या चीज दी हुई है, हमेशा उनको कंफ्यूजन रहती है कि मैम क्या गिवन है। तो 100% ये जो लेंथ है ये बाद में दी है, तो ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, और मुझे कहा गया रेडियस कैलकुलेट। क्लियर बच्चों में, वो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। तो मेरे पास मार्क इट एज ओ, ये बी, तो अब हम क्या रखेंगे बेटा, क्लियर कट बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले मेंशन जरूर कर देना कि दिस इज हाउ वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट बिकॉज़ द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ओके, तो अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हो गया, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट योर आंसर। अब मेरे पास वैल्यूज ओ ए की 5 स्क्वायर मतलब 25, ए बी की 4 स्क्वायर मतलब 16, और ओ बी स्क्वायर निकाल लो, ओ बी स्क्वायर इज 25 माइनस 16, तो बेटा मेरे पास कितना आएगा 9, तो ओ बी इज प्लस माइनस 3, बट नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो दिस इंप्लाइज कि मेरे पास ओ बी कितना रह गया, सिर्फ 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा जी, क्लियर, चलिए आगे बेटा, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट इज रिटन इन द 7th क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस जो है वो दिए हुए 5 एंड 3 सेंटीमीटर इन द क्वेश्चन नंबर जो है, इट इज गिवन द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बेटा, देखिए कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। ओके, हियर इट इज रिटन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियस 3 एंड 5, ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर का, हम बड़े वाला जो है वो 5 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब उसने कहा एक लार्जर सर्कल की कॉर्ड निकालनी जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। अब मैं ये यहाँ पर रेडियस नहीं बनाऊंगी, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। एस, अब मैंने इस कॉर्ड की लेंथ निकाली, ठीक है, ये मेरे पास सेंटर है, मैंने यहां से रेडियस, ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, बड़े सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल का वो क्या है, टेंजेंट बन। ओके, अब मुझे बड़े सर्कल का यहाँ पर ये रेडियस पता है, मुझे दिया हुआ है लार्जेस्ट सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, और ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस बन गया ये 3 सेंटीमीटर। अगर किसी तरह से मैं ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लूं और इसका डबल कर दूं, तो बेटा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जेस्ट सर्कल, बिग सर्कल, लार्जर सर्कल, कुछ भी कह सकते,
ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको लेबल करूंगी, ओ ए बी सी। ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट क्लियरली जो है ए बी इज द कॉट ऑफ सर्कल। अच्छा मैं बताऊं अब कैसे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एंड इज द टेंजेंट, एंड ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, कौन से सर्कल में जिसका सेंटर तो वही है लेकिन रेडियस। ओके बेटा, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, व्हाट आई हैव टू डू हियर, अब क्लियर कट है जो है ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दैट मींस बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बेटा क्लियर कट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 25 जो है 9 प्लस ए सी स्क्वायर। ओके जी, अब ए सी स्क्वायर इज जो है 25 माइनस 9 कितना हो गया मेरे पास, हो गया 16। तो बेटा ए सी इज अगेन प्लस माइनस 16, बट कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास हो गए ए सी कितना आ गया, इस साइड पे क्या लिख लेते हैं, ए सी इज 4, अंडर रूट भी आएगा ना 4 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन मुझे तो पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, आपको ये पता है कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे या सॉरी किसी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट से। आप यहाँ पर क्लियर कट करोगे, मेरे पास हो गए क्लियरली ए बी इज 2 times ए सी, 2 into 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ रीजन जरूर लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, तो इसीलिए वो डबल हो जाती है और यही हमने कैलकुलेट करना था। एनी डाउट टू एनी वन, ज्योमेट्री है साथ साथ समझोगे उसको लिखोगे तो बेटा क्लियर होगा। एनी डाउट टू एनी वन, किसी को कोई डाउट, हाँ जी कोई थम्स अप नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्टिव, हाउ शुड आई कम टू नो दैट इज क्लियर टू यू आर नॉट, ओनली 1 2 चलिए गुड। चलिए बेटा नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन 1 मार्क में लेफ्ट हैंड साइड दे दें और राइट हैंड साइड आपको हो सकता है कि कैसे प्रूफ करना है, लेट अस सी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है 8, व्हाट इज रिटन हियर, अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल, जो है हमारे पास जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना मतलब बाहर बाहर की तरफ ऐसे। ओके क्लियर, तो नाउ व्हाट दे हैव रिटन कि अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल को स्क्राइब करने बाहर से, तो अगर होता अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब द क्वाड्रिलेटर, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल बाहर होगा और क्वाड्रिलेटर अंदर होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमें जो दिया हमने इसको प्रूफ दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अब मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस, दैट इज 100% ई की थ्योरम हमने जो यूज की थी उसी को अब हम करेंगे बेटा। मेरे पास थ्योरम क्या, यस दक्ष, हाँ जी बेटा
यस दक्ष मैम, जो साइड वाले हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट्स हो जाएंगे और मैम वहां से फिर आ जाएगा जो पी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या आ जाएगा बता मैम, सबको प्लस करके जैसे जो पी क्यू आर एस है वो उसके एक्सटर्नल पॉइंट्स है मैम, सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो सबको प्लस करके फिर इक्वल तो गिवन इक्वल तो हो ही जाएंगे फिर। नहीं सॉरी बेटा, आपने कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं बताया है। तो हम आपने मेन थ्योरम तो बताई नहीं कि अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो वहां से हम लोग लेंगे। मान लीजिए मेरे पास, आप बाकी सब कुछ भूल जाइए, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए एस और ए पी इनकी लेंथ जो है टेंजेंट की, क्योंकि ये टेंजेंट बन गया ना, तो दैट इज इक्वल। हमने किया था ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ये एक तरह का सर्कल है और ये दोनों टेंजेंट बन गए। अब मैं गिवन टू प्रूफ आई एम नॉट राइटिंग, आई एम स्टार्टिंग विद प्रूफ, आप खुद लिखोगे गिवन टू प्रूफ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एस इज इक्वल टू ए पी। ओके, अब खुद सोचो, मुझे इधर ए बी चाहिए, ठीक है, इधर ए एस है, तो ए एस किसका पार्ट है, ए डी का पार्ट है ना। चलो अगर इधर ए एस लिखा है, ये ए डी का पार्ट है, तो ए डी बनने के लिए आई नीड एस डी, सही है कि नहीं। तो मैं अब इधर एस डी वाला लिखूंगी, एस डी किसके इक्वल है, डी आर के। आप यहां पर लिखोगे ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, इधर डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। अब ये देखो, जब मैं ऐड करूंगी ए एस प्लस एस डी, ए डी हो गया, अगला मुझे क्या चाहिए, बी सी। अब बी सी लेके आने के लिए मुझे बी क्यू चाहिए इस तरफ ना, तो मैं बी क्यू किसके इक्वल होगा, बी क्यू किसके इक्वल होगा, बी पी के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट बी हो गया, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की, दैट आर ऑलवेज इन इक्वल इन लाइन, तो दैट मीन्स बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, यहाँ पर बी इज द एक्सटर्नल। बी सी बनाने के लिए बी क्यू है, अगली क्या चाहिए, सी क्यू। अब सी क्यू किसके इक्वल होगा, सी आर के, सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक ही बार लिखोगे, वी नो दैट, यहां पर रीजन लिख दोगे, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। रीजन ऊपर लिख दीजिए एक ही बार, ओके। तो अब बेटा इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है जी। जब आपने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, व्हेन यू ऐड इट ए एस प्लस एस बी, क्योंकि आप ए की साइड से जो मिल गए उसी को लिखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर एक साइड से ए एस लिख दिया, दूसरी तरफ से डी आर इधर लिख दिया ना, तो आपका गलत है। इसीलिए मैंने एक पहला लिख लिया अपनी मर्जी से, फिर मैंने देखा वो किसका पार्ट है, ए एस मेरा पार्ट था, ए डी का वो इस साइड का, यानी मैंने इस साइड पे इधर ए साइड बनानी है, सीखा, ओके। ए एस प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू, अब इधर वाला ऐड कर दो ए पी। अब देखो ए पी के साथ कौन सा आएगा, बी पी ना, तो इधर लिख दो, और डी आर प्लस सी आर, ओके। अब यहां से लिखो ए डी, ये क्या बन गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, दैट इज बी सी, इधर क्या बन गया ए बी, और ये क्या बन गया सी डी या बी सी, कुछ भी लिखो। सबको बात समझ आई, क्लियर टू एवरीवन, any doubt, anything that is not clear to you, you can ask me. Srishti, Jia, Saksham, roll number 41, is it clear to you? Ishati,
हाँ जी ईशाप्रीत, ओके गुड 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 गुड, चलिए बेटा ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, आपको करने ही है और बड़े इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ठीक है बेटा जी। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज रिटन इन द स्टेटमेंट, लेट अस सी what they have mentioned in the statement. In the figure, they write, in the figure, x, y, you know, and x dash, y dash are the two parallel tangents to a circle. Okay? They write with the center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting x, y. जो है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट जो है पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी, प्रूफ दैट एंगल ए ओ सी, दे राइट प्रूफ दैट एंगल ए ओ सी इज 90 ठीक है। लेट अस सी कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है, फिर हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे कि मेरे पास जो है कैसे रिजल्ट बनेगा। ओके लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे उसने फिगर कहा है वैसे वैसे हम ड्रॉ करते हैं। दे जस्ट राइट हियर इन द फिगर एक्स जो है वाई, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज एक्स डैश वाई डैश, ओके एक्स वाई और x डैश y डैश, ये मेरे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं ठीक है। और किस पे, एक मेरे पास सर्कल है विद सेंटर O ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पर उन्होंने बोला है अनदर टेंजेंट है ए बी, जो ए बी जो सर्कल को सी पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करता है, एक्स वाई को वो इंटरसेक्ट करता है ए पे, आई हैव रिटन हियर ए, और एक्स डैश वाई डैश को वो इंटरसेक्ट करता है बी पे, मुझे प्रूफ करना है ए ओ सी दिस एंगल दैट इज 90 डिग्री। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम बहुत सारे मैथड, मैं फिर आपको कह रही हूँ इन क्वेश्चंस के करने के अलग अलग मैथड्स हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग ना एक डायमीटर बना लेते हैं, लेट अस ड्रॉ अ डायमीटर। ओके जब मैंने ये डायमीटर ड्रॉ किया, और ये तो मेरा ज्वाइन ही है यहाँ पर सब कुछ, ये सेंटर में इधर, ओके और मैं इसको लेबल कर देती हूँ P, Q लेबल कर दे, मैं इसको भी डॉटेड ज्वाइन, जो भी हम चीज ज्वाइन करते हैं खुद ना बेटा, अब उसको कंस्ट्रक्शन में लिखा करो कि ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ बी, वट एवर यू हैव ठीक है। मेरा एम क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, आई नीड टू प्रूफ कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90। इसको करने के बहुत सारे मैथड्स हैं, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं ठीक है जी। अब मैं देखो कैसे कर रही हूँ, लेट अस सी, अगर मैं किसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दूं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दूं, तो मेरा काम बन सकता। ये दोनों एंगल इक्वल करने के लिए, मतलब दिस, मैंने क्या किया, मैंने ए ओ बी ट्रायंगल और ए ओ सी ट्रायंगल, अब देखते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, क्लियर कट ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए पी और ए सी आपस में इक्वल है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ही है, तो ये मेरे पास इक्वल, ए ओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओ पी और ओ सी
दोनों क्या है रेडियस है ना, तो बाय एस 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 रेडियस ट्रायंगल कॉन्गरुएंट हो, अगर ट्रायंगल कॉन्गरुएंट हो जाती है तो उसका सब कुछ इक्वल हो जाता है, दैट मींस एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम सी ओ बी और बी जो है क्यू ओ बी पे आए तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होता है, ओके। चाहे आप 3 इधर लिख दो एंगल 4 इधर लिख दो कोई बात नहीं, ओके बेटा। तो फिर हम करेंगे, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है इन सब का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, 1 की जगह 2 लिख दो क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया, हमें 3 नहीं चाहिए, 3 की जगह 4 लिख दो हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल, तो अपने आप एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। चलिए लेट अस डू प्रूफ। इन ट्रायंगल जो है ए ओ पी एंड ए ओ सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी, आप लिखोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे हमारे पास वो है यहाँ पर, हाँ जी अगला क्या करेंगे मेरे पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या कहेंगे रेडियस, रेडियस एक सर्कल में जहां मर्जी लो इक्वल होना चाहिए, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, देयर फोर मेरे पास जो है ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया बाय सीपीसीटी, यहां बाय एसएसएस क्राइटेरिया लिखोगे। सिमिलरली अब ठीक है आप एंगल 3 और एंगल 4 अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो आप इसको प्रूव करोगे प्रॉपरली सारे स्टेप्स लेके, अगर 2 मार्क्स का है तो आप सिमिलरली लिख के काम खत्म कर दो, ठीक है बेटा। अब सिमिलरली एंगल 3 4 के इक्वल है तो अब आप क्या करोगे, I am rubbing this part now बेटा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, let us see, now angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is 180 degree linear पे, just straight line पे, ठीक है, but using 1 and 2, मेरे पास मुझे 1 नहीं चाहिए, तो मैं 1 की जगह 2 लिख दूँ, मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 की जगह 4 लिख दूँ, आप कहोगे यूजिंग 1 and 2, ओके बेटा जी क्लियर। तो अब मेरे पास जो है 2 times angle 2, 2 times angle 4 is 180 degree, angle 2 plus angle 4 90 degree, this implies angle A O B is 90 degree, hence ओके। Any doubt to me one? Any doubt to me one? Clear to everyone? Let us do the next question. Prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle by the line segment joining the point of contact at the center. ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी पूरा होता है एटलीस्ट हम उसको समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। लेट अस सी मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, 10th में हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एक सर्कल पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ किए, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर का एंगल बनाए तो इन दोनों का सम 180, बहुत इजी है ना, वो कैसे रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक तरह का कोऑर्डिनेटर बन गया ना फोर्स,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो इन दोनों की जगह 90 लिखो, 90 प्लस 90 180, 360 में से 180 माइनस करो कितना बचा 180, तो दोनों का सम क्या 180 डिग्री ही आएगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ओके लेबल करते हैं ए यहां पर पी क्यू टू प्रूव, अगेन आई एम सेइंग गिवन टू प्रूव, आपने खुद लिखना है राइट एंगल ए प्लस एंगल ओ दैट इज 180 डिग्री। अब प्रूफ जो है एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पेज, आपने पूरा लिखना। ओके नाउ जो है एंगल ओ प्लस एंगल टू प्लस एंगल ए प्लस एंगल वन इज 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके एंगल ओ की जगह ओ रहने दो, जो है वो 90 हमने ऊपर लिखा है, ए एज इट इज रहने दो और वन की जगह 90, तो मेरे पास जो है एंगल ओ प्लस एंगल ए जो है वो 360 माइनस 180, तो एंगल ओ प्लस एंगल ए को 180 हो गया। तो दिस इंप्लाइज के पास जो है बेटा क्या हो गया पी ओ एंड ए आर सप्लीमेंट्री टू ई। ओके बेटा क्लियर तो हो जाएगा, बात समझ आ गई सबको, आज 10th डे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ज्यादा ठंड लग रही है इनको, है ना, एम आई राइट। चलिए बेटा कल अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चंस जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं। ओके देन गुड बाय एंड टेक केयर।